श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि यूरिन रुकना क्यों नुकसानदायक है, मतलब पेशाब रुकना। जितने लंबे समय तक आप यूरिन को रोक रखेंगे, आपका ब्लैडर बैक्टीरियाओं को अधिक विकसित कर कई प्रकार के स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनेगा। आइए हम आपको बताते हैं इसके क्या क्या नुकसान है। यूरिन शरीर की सामान्य प्रक्रिया है जिसे महसूस होने पर 1 से 2 मिनट के अंदर निष्कासित कर देना चाहिए। वैसे तो ब्लैडर के भरने पर स्वतः प्रतिक्रिया तंत्र आपके मस्तिष्क को वॉशरूम जाने का संकेत भेजती है। पसीने की तरह यूरिन के माध्यम से शरीर के गैर जरूरी तत्व बाहर निकलते हैं। यदि वो थोड़े समय भी अधिक शरीर में रहते हैं तो संक्रमण की शुरुआत हो जाती है। आइए हम जानते हैं कि यूरिन को रोकने से शरीर पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। कुछ लोग यूरिन को कुछ मिनट के लिए तो कुछ लोग कुछ लंबे समय तक रोक सकते हैं। आप यूरिन कितनी देर तक रोक कर रखते हैं यह यूरिन की उत्पादन मात्रा पर भी निर्भर करता है। इसके अलावा यह हाइड्रेशन की स्थिति, तरल और ब्लैडर की कार्य क्षमता पर भी निर्भर करता है। लेकिन यूरिन को अक्सर रोक कर रखने वाले लोग इसे पता लगाने की अपनी क्षमता को खो देते हैं। जितना लंबे समय तक आप यूरिन को रोक कर रखेंगे, आपका ब्लैडर बैक्टीरियाओं को अधिक विकसित कर कई प्रकार के स्वास्थ्य जोखिम का कारण बन सकता है। आपको किडनी में स्टोन हो सकता है। यूरिन को 1 से 2 घंटे रोकने के कारण महिलाओं व कामकाजी युवाओं में यूरिन संबंधी दिक्कतें आती है, जिसमें शुरुआती ब्लैडर में दर्द होता है। साथ ही 8 से 10 घंटे बैठकर काम करने वाली युवाओं को यूरिन की जरूरत ही तब महसूस होती है जबकि वो कार्य करने की स्थिति बदलते हैं, जबकि इस दौरान किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में पेशाब इकट्ठा होता रहता है। हर एक मिनट में 2 ml यूरिन ब्लैडर में पहुंचता है, जिसे प्रति 1 से 2 घंटे के बीच खाली कर देना चाहिए। ब्लैडर खाली करने से 3 से 4 मिनट की देरी में पेशाब दोबारा किडनी में वापस जाने लगता है। इस स्थिति के बार बार होने से पथरी की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि पेशाब में यूरिया और अमीनो एसिड जैसे टॉक्सिक तत्व होते हैं। फिर आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन हो सकता है। कभी भी तेजी से आई यूरिन को रोके नहीं, जब भी यूरिन महसूस हो तुरंत जाए, वरना UTI होने का खतरा बढ़ जाता है। यूरिन रुकने के कारण यह संक्रमण फैलता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन यानी मूत्र मार्ग में संक्रमण महिलाओं को होने वाली बीमारी है। इसे UTI नाम से भी जाना जाता है। मूत्र मार्ग संक्रमण जीवाणुजन्य संक्रमण है, जिसमें मूत्र मार्ग का कोई भी भाग प्रभावित हो सकता है। हालांकि मूत्र में तरह तरह के द्रव होते हैं, किंतु इसमें जीवाणु नहीं होती। UTI से ग्रसित होने पर मूत्र में जीवाणु भी मौजूद होते हैं। जब मूत्राशय या गुर्दे में जीवाणु प्रवेश कर जाते हैं तो तेजी से बढ़ने लगते हैं, तो फिर यह स्थिति आती है। फिर इंटेस्टिनल सिस्टाइटिस। इंटेस्टिनल सिस्टाइटिस एक दर्दनाक ब्लैडर सिंड्रोम है, जिसके कारण यूरिन भंडार यानी ब्लैडर में सूजन और दर्द हो सकता है। ये एक तरह से ग्रसित लोगों में अन्य लोगों की तुलना में यूरिन बार बार लेकिन कम मात्रा में आता है। अभी तक इसके सही कारणों की जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन डॉक्टरों का मानना है कि जीवाणु संक्रमण के कारण होता है। इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस के आम लक्षणों में दर्दनाक श्रोणी, बार बार यूरिन महसूस होना और कुछ मामलों में ग्रसित व्यक्ति एक दिन में 60 बार तक यूरिन जाता है। इस समस्या का कोई इलाज नहीं है, लेकिन उपचार से लक्षणों को कम किया जा सकता है। फिर आपको किडनी फेलियर हो सकता है। किडनी फेलियर एक मेडिकल समस्या है जो किडनी के अचानक ब्लड से विषाक्त पदार्थ और अवशेषों के फिल्टर करने में असमर्थ होने के कारण होती है। यूरिन से संबंधित हर तरह के इंफेक्शन किडनी पर बुरा असर डालते हैं। बॉडी में यूरिया और क्रिएटिनिन दोनों तत्व ज्यादा बढ़ने की वजह से यूरिन के साथ बॉडी से बाहर नहीं निकल पाते, जिसके कारण ब्लड की मात्रा बढ़ने लगती है।
भूख कम लगती है, मितली होता है, उल्टी आता है, कमजोरी लगने लगती है, थकान होना, सामान्य से कम पेशाब आना, उत्तकों में तरल पदार्थ रुकने से सूजन आना आदि इसके लक्षण। बहुत अधिक देर तक यूरिन को रोकने से यूरिन का रंग भी बदलने लगता है। हालांकि ऐसा होने के पीछे सबसे अधिक संभावना संक्रमण की होती है। इसके अलावा बीट, बेरीज, जामुन, शतावरी जैसे कुछ खाद्य पदार्थ के कारण भी यूरिन का रंग प्रभावित होता है। विटामिन बी यूरिन के रंग को हरे और सलजम लाल रंग में बदल देता है। आपके ब्लड की मांसपेशियां कमजोर होने लगती है। दवाओं के बाद भी यदि 3 से 4 मिनट पेशाब को रोका गया तो यूरिन के टॉक्सिक तत्व किडनी में वापस चले जाते हैं, जिसे रिटेंशन ऑफ यूरिन कहते हैं। इसके अलावा यूरिन बार बार रोकने से ब्लड की जो मांसपेशियां हैं वो कमजोर हो जाती है और ये यूरिन करने की क्षमता को भी कम कर देता है। तो धन्यवाद, हमने आपको बहुत सारी जानकारी दी कि आपको पेशाब क्यों नहीं रोकना चाहिए, यूरिन को क्यों नहीं रोकना चाहिए। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।